कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग अच्छे हो गए। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले नहीं, मुजरा में बात करने वाले हैं सीमा भाभी के बारे में, जो 3 देशों की सीमा पार करते हुए भारत पहुंची 4 बच्चों के साथ। तो सीमा यहीं पर जाती थी जो इंडिया चली गई। दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छा फील करता। भारत की महिलाएं क्या कह रही इस पर? पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी ना। फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बहुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का। मेरे दिमाग में ये बात तो तय हो गई थी कि भारत के लौंडों की दिलों में है बहुत ही ज़्यादा गम। अगर उनकी लाइफ में कोई भी फीमेल प्रजाति आती है तो चाहे वो 5 बच्चों की माँ ही क्यों नहीं, वो उससे प्यार कर लेते हैं। चाहे वो किसी भी देश की हो, कैसी भी हो, कोई मतलब नहीं। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यार। देवर भी पेले के मूड में है। सचिन के क्या लगते हो? सचिन को भैया छोटो, वो तो बहुत जाई आई है। हाँ, कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया? नहीं अभी तक तो ना खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा। कैसी लगी? जहर बता तो दे, कई बार तो बता दे। तुम्हें लग रहा होगा देवर यूं ही हवाईबाजी कर रहा होगा, लेकिन नहीं, देवर तो भाभी का मूड बना ले की फिराक में है। अच्छा, तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवर ही इंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर? बाहर के काक रंगे। देवर ने सोचा भैया तो इंजॉय करा नहीं पाएंगे भाभी को, तो क्यों नहीं मैं ही इंजॉय कर। गदर फिल्म जाऊंगा 11 अगस्त को देखने भी। पहली वाली गदर तो देखी होगी? दोनों ने देखूंगा, पहली तो देख ली। फिर फायर वाले लौंडे बोल रहे हम भी लाएंगे पाकिस्तान से माल। सही, भाभी को देखने गए? हाँ, तुम ऐसा कुछ करोगे? ये तो लेकर आया है पबजी से, मैं लगाऊंगा फ्री फायर से। आई हो आपको ये बकचोदी पसंद आई होगी। अगर बकचोदी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना बोले, मैं यार क्या बताऊँ, लाइक कर ही देना।